और आज फ्रेंड्स ठंडी तो बढ़ चुकी है रांची में, और आज कुछ खास रेसिपी बनने वाला है। तो क्या बना रही है मामा, बताइए क्या बना रही हो। मैं बना रही हूँ, देखिए। फ्रेंड्स ये हमारा आटा सना गया है, क्या क्या डालिए मामा इसमें। नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा। ये जा रहा है नमक। इसको अच्छा से फ्राई कर लेना है। जब तक ये बढ़िया से फ्राई हो जाए ना, इसमें अलग तरह से ये खुशबू आए आपको मालूम चलेगा। ये तोड़ते ही ये देखिए धुआं, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से भरा गया है। इसको खा के करते हैं टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बहुत अच्छे से। सभी को नमस्कार जोहार। और आज फ्रेंड्स ठंडी तो बढ़ चुकी है रांची में, और आज कुछ खास रेसिपी बनने वाला है। तो क्या बना रही है मामा, बताइए क्या बना रही हो। मैं बना रही हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मटर। तो इसको हम करते हैं बॉईल, करने के लिए चढ़ाते हैं। ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है। मैं बनाने जा रही हूँ मटर का कचौड़ी। फ्रेंड्स मटर का सीजन है, मटर मटर मटर, दिन रात मटर मटर, तो मटर का कचौड़ी आप ही का फेवरेट है मटर, ये तो है। तो चलिए आपको बनाना सिखाएंगे मटर का कचौड़ी, बहुत बढ़िया बनता है। और खासकर ठंड के मौसम में मटर का कचौड़ी के साथ और क्या बनेगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और देखिए और सीखिए, बनाइए, खाइए और ठंडी में मजा लीजिए। फ्रेंड्स ये हमारा आटा सना गया है, क्या क्या डालिए मामा इसमें। नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारा आटा बढ़िया से एकदम सन चुका है। फ्रेंड्स कढ़ाई हो चुका है गरम, और ये गया इसमें जीरा का फोरन, और अब बनने जा रहा है चटक रहा है जीरा। उसके बाद इसमें गया ये गया लहसुन। ये तैयारी हो रहा है मसाला का, मटर का मसाला जो कि आटा में भराएगा और बनेगा मस्त। ये हमने लहसुन के साथ डाल दिया अदरक, हल्का सा इसको लाल होने देते हैं, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना। ठंडी के दिन में ही मज़ा आता है बढ़िया बढ़िया चीज़, और आदमी ज़्यादा खा भी लेता है। हमने डाल दिया हरी मिर्च। सबको बढ़िया से फ्राई कर लेना है, और अब इसमें ऐड कर देंगे अपना ठंडी के मौसम का बढ़िया वाला मेन चीज़, हरा हरा फ्रेश मटर। ये गया मटर, और सभी को साथ में मिक्स करके ऐसे अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैश कर लेना है। ये जा रहा है नमक। इसको अच्छा से फ्राई कर लेना है। जब तक ये बढ़िया से फ्राई हो जाए ना, इसमें अलग तरह से ये खुशबू आएगा। फ्रेंड्स फाइनली इसमें जा रहा है हींग भी। हींग फ्रेंड पहले जो डालना भूल गए थे जो तड़का में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर डाल दी। इससे क्या होएगा ना, आपका पेट में गैस नहीं बनेगा। तो ये जब हम थोड़ा फ्राई करते थे तब भी आप डाल सकते थे, तो हमने बाय मिस्टेक वो नहीं डाला उस समय, तभी डाल दिया। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मैश हो गया। फ्रेंड्स कढ़ाई गर्म हो चुका है, और इसमें डाला चुका है अपना तेल, और इधर देखिए तैयारी हो रहा है। इसको भर लिया गया मटर को बढ़िया तरीके से, और ये बन रहा है अपना कचौड़ी गर्मा गर्म। ये गया हमारा गर्मा गर्म तेल में मटर का कचौड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स तेल काफ़ी गर्म है, और गर्मा गर्म खाने ही मज़ा आएगा इसको। तो ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए मस्त देख के भाई साहब मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए आप, अब ठंडी के मौसम में ऐसा गर्मा गर्म कचौड़ी मिल जाए, वो भी मटर का, हरे हरे ताज़ा मटर का, और साथ में बना है आलू और चना का सब्जी। तो चलिए ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा टेस्ट हुआ है। फ्रेंड्स ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी, आलू चना का सब्जी, और ठंडी के मौसम में ये देखिए गर्म है, आपको मालूम चलेगा। ये तोड़ते ही ये देखिए धुआं,
ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से भरा गया है। इसको खा के करते हैं टेस्ट। ये देखिए स्टफिंग काफ़ी गर्म है, ये देखिए धुआं कैसे निकल रहा है। तो पहले किया जाए केवल कचौड़ी टेस्ट। मस्त, एकदम बढ़िया। थोड़ा सा चना का ग्रेवी लगाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बना है। मटर जब तक है तभी तो मटर का मज़ा ले सकते हैं, और ठंडी में ताज़ा ताज़ा मटर का कचौड़ी, मटर का झोल, चूरा मटर, मटर ये मटर वो मटर, ढेर सारा मटर का रेसिपी है। और ठंड में इसका मज़ा अलग ही है सर। लगाया चना, मस्त। फ्रेंड बहुत आसान है बनाना, घर में बना के खाइए, आसान तरीके हैं। और ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं है, इसलिए एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म सब्जी और कचौड़ी। वाह, करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ठंडी में आप भी बनाकर ट्राई कीजिए, क्योंकि ठंडी में आप जो भी कुछ खाते हैं ज़्यादा खा सकते हैं गर्मी के बनस्पत, बट क्या है यह सब चीज़ ठंडी का ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया चीज़ के साथ, तब तक लिए बाय, गुड नाइट।